प्रदेश में रंगों के त्योहार होली को लेकर तैयारियां चली हुई हैं। इसी कड़ी में छोटी काशी मंडी में भी रंगों के त्योहार के लिए शहर में दुकानें सजने लगी हैं और होली के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। रंगों के त्योहार होली का अपना ही एक विशेष महत्व है और इस त्योहार में रंगों में रंगने के लिए सभी साल भर इंतजार करते हैं और अब वो समय आ गया है और देश भर में रंगों के इस त्योहार को लेकर तैयारियां चल रही हैं। छोटी काशी मंडी भी इससे अछूती नहीं है, यहां भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं और लोगों ने रंगों से दुकानें सजा ली हैं। हिंदू धर्म में हम जितने भी त्योहार मनाते हैं उसमें होली का अपना ही एक महत्व है। होली एक हर्षोल्लास का त्योहार है। वर्तमान स्वरूप अगर होली का हम देखें तो होली मनाने में हम विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं। इन विभिन्न तरह के रंगों को अगर हम जाति धर्मों के स्वरूप में देखें तो मुझे लगता है अब अगर हम बिल्कुल उसी तरह से होली को मनाने का स्वरूप रखें जिस तरह सारे रंग मिला के हम होली में खुशी मनाते हैं, इसी तरह अगर हम सभी धर्मों और जाति के लोग जो हैं आपस में मिल बैठकर इस त्यौहार को मनाएं और आपसी भाईचारे के रूप में मनाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर पौराणिक संदर्भ में देखा जाए होली को तो मुझे लगता है जब हरनाकश ने अपने आप अपनी पूजा करवाने के लिए प्रहलाद को बाध्य किया और उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन वो विष्णु भगवान का साधक था, उनको मानता था, तो जब उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए तो उसी अत्याचार के कड़ी में उसकी बहन, अपनी बहन प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, उसकी ड्यूटी लगाई गई कि उसको वरदान था कि उसको जलने से वो आग से नहीं जलती थी, तो उसकी ड्यूटी लगाई गई कि तुम प्रहलाद को ये कष्ट दो और वो अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ गई आग में। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये शक्तियां जो है बुराई के समय में काम नहीं आती, तो होलिका जिसको वरदान था ना जलने का वो जल गई बुराई के स्वरूप, और जो सच्चाई थी अच्छाई थी वो प्रहलाद के रूप में स्थिर रही। तो हम इस तरह से भी इसको ले सकते हैं होली के त्योहार को कि बुराई पर अच्छाई की जीत और झूठ पर सच की जीत के त्योहार पर भी होली के त्योहार को पौराणिक संदर्भ में लिया जाता है और हिंदू धर्म में इसी तरह का इसका उल्लेख देखने को मिलता है।